तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग। तो फिलहाल तो अभी मैं कॉलेज से आ चुका हूँ, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट आया था। तुम लोगों को तो पता भाई कराची में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहती है। तो भी गया था भाई, मैंने तोतों के लिए फूड भी लिया था, क्योंकि इनके लिए मैंने तकरीबन 3 दिन से इनके लिए फूड लिया ही नहीं। तो वो लोग बस वो प्रोटीन से गुजारा कर रहे थे, इन्होंने ये फूड खाया नहीं इनका। तो मैं गया था भाई लेके आए तकरीबन पहले, ये भाई एक हफ्ता पहले भाई ये फूड 20 रुपये का था, तो अब भाई 30 रुपये का हो चुका है। ये देखो भाई 30 रुपये का इतना कम, मेरा भाई इतना ज़्यादा बहुत कम हो चुका है भाई, इतना कम हो चुका है ना। 20 रुपये का फिर भी ज़्यादा था, अब 30 रुपये का हो गया, मतलब एक हफ्ते बाद इसकी भी भाई दाम बढ़ गए भाई, मतलब 30 रुपये का हो गया भाई, 20 रुपये का मिलता ही नहीं। मतलब इतनी महंगाई हो गई ना भाई पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। और ट्रैफिक भी जाम इसी वजह से भाई, क्योंकि तुम लोगों को पहले कराची में ट्रैफिक जाम की वजह से, तो भाई मतलब गाड़ी तकरीबन आधा घंटा तो हमारी वैन वहाँ पर रुकी हुई थी ट्रकों के बीच में, इतने ट्रक उसके बीच में हमारी वैन रुकी हुई थी, तो उसकी वजह से हम लोग जा ही नहीं सकते थे। वो मेन पुल में रुकी हुई थी, बस अभी आए गए। तो भाई अभी इनको खाना भी दे रहे थे, इनको अभी तक मैंने खाना दिया नहीं है बिल्कुल भी। अगर देख लो भाई, ये नया घर बिल्कुल नहीं, पुराना ही घर है। जो तुम लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो तुम लोगों को पता होगा, तो भाई ये घर मैंने इधर रखा था, मगर मैंने इस घर को भी लकड़ी का घर इससे निकाल के इस पिंजरे में लगा लिया। ये लकड़ी का घर देख लो भाई, ये इधर लगा था, इधर से मैंने इधर लगा लिया। तो अभी इनके लिए फूड भी लेके आ गया, तो इनको दे देता हूँ। अरे बेचारे, इन्होंने 2-3 दिन से इन्होंने नहीं खाया, मतलब जुम्मा और हफ्ता इतवार। तो बस अभी इनको पहले खाना देते थे, फिर उसके बाद भाई तीतरों को भी खाना दे देंगे। वो भाई कागज़ खा के गुजारा करे, वो देखो कागज़ खा रहा है। तो भाई कागज़ नहीं खा भाई, ये देखो भाई इतने भूख है भाई, 3 दिन से नहीं खाए, अभी देखो कैसा खा रहा है भाई माशाल्लाह। तो अभी इनको फिलहाल मैंने दे दिया भाई इनका, और अभी इनके लिए भाई पानी भी लेके आ गया, उनका बाजरा भी दे दिया। अभी ये खा रहे भाई, इनका मतलब ये फूड है, सी प्रोटीन उनकी वो जो वाइट कलर की, ये इनका फूड है जो भी खा रही है। और इनके पानी भी साथ में रख दिया, और तीतर का भी पानी ला के रख दिया, उनको भी पानी दे देते। एक भी सबर भाई, एक भी सबर। तो भाई अभी तीतरों को भी दे देता हूँ, तीतरों को भी अभी तक मैंने खाना नहीं दिया। इनका भी खाना मैंने बाजरा ला के रखा है, पहले ये देखता हूँ ये खाते हैं या नहीं खाते इनका। इसमें तीतरों को ये डाल के थोड़ा सा देता हूँ, पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर खाते हैं तो अभी देख लेता हूँ भाई, देखता हूँ भाई पता नहीं खाएंगे या नहीं। ये तो खा ही नहीं रहे भाई, इनको तो समझ नहीं आ रही है। फिर भाई तीतरों को भी मैंने इनका बाजरा और पानी दे दिया, मगर भाई वो कौन सा फूड खा रहे हैं जो भाई तोते शौक से फूड खाते भाई, वही इन लोग तीतर भी वही फूड खा रहे हैं। अभी मैंने खाना पानी तो दे दिया, तो अभी इनका पिंजरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि भाई वो चोरी चकारी तो बहुत ज़्यादा होती है, तुम लोग को पता है। तो अभी इनको फिलहाल भाई मैंने खाना दे दिया, तो अभी इनको भाई बंद कर देता हूँ। मुर्गों को तो मैंने दे दिया था सुबह जाने से पहले ही दे देता हूँ मैं, उस दिन तो भाई मेरे हाथ में काटा था मुर्गे ने, तो तभी मैंने नींद पे आया। अरे भाई बंद हो जाए, बंद ही नहीं हो रहा। उनको तो मैं सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खोलता हूँ, हफ्ता इतवार जब मैं खुद घर में होता हूँ, तो भाई तभी मैं उनको भी खोल देता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद ध्यान देने वाला होता हूँ ना, तभी अभी फिलहाल तो घर में कोई होता नहीं ध्यान देने वाला, तो भाई ऊपर से कहीं नीचे नहीं चले जाए, नीचे भाग जाते ना भाई भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, नीचे से भी बिल्डिंग के नीचे चले जाते, तो तभी डर की वजह से ना भाई इनको मैं खोलता नहीं हूँ। अब हफ्ता इतवार के दिन ही इनको खोलता हूँ। फिलहाल तो भाई मैंने कल खोला था, तो मैंने देखा होगा वीडियो में भाई ये तो उड़ना शुरू हो गए थे, तकरीबन इतना भाई उड़ना शुरू हो गए थे, तभी उस डर की वजह से अभी मैंने कहा इनको मैं खोलूंगा ही नहीं, अंदर ही खाना पानी दूंगा वही सही है। अगर मैंने खोल दिया उड़ गए ना भाई, तकरीबन मेरे 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा, एक तीतर 300 रुपये का भाई, ऊपर से भी ये पिंजरा 900 रुपये का भाई, मतलब इतना खर्चा किया। अगर ये उड़ गए ना भाई बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा। अभी तो भाई तोते बहुत महंगे हो गए, उस टाइम मैंने तकरीबन तोते खरीदे थे, इतनी महंगाई हो गई ना भाई, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई। ये तोते जो मैंने तकरीबन 700 रुपये के लिया था एक महीना पहले, अभी यही तोते भाई 2200 रुपये के हो चुके, इतनी महंगाई हो गई ना हमारे मुल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे मुल्क में जिनके 3-4 लाख रुपये तनख्वाह ना भाई, उनका तो गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल भाई, बहुत ही ज़्यादा। हमारे मुल्क में बस वही लोग अयाशी से रह सकते हैं जिनके 1 महीने की 30 लाख रुपये तनख्वाह हो या 20 लाख रुपये तनख्वाह हो, मतलब 20 लाख रुपये से जिनकी तनख्वाह स्टार्ट हो रही है ना भाई, वो हमारे मुल्क में बिल्कुल ऐशो अयाशी से रह सकते हैं, उनको किसी चीज़ की मसला नहीं कि भले कितनी महंगाई हो। बाकी 20 लाख से कम जितने भी लोग कमाते हैं ना भाई, उनका बहुत मुश्किल से घर चलता होगा भाई। जैसे कि हमें पता चला ना भाई, हमारे वालिद की भी इतनी ज़्यादा भाई आमदनी नहीं है, बहुत कम है, तो वो भी बाहर परदेश में काम करते, तो उनकी भी इतनी ज़्यादा नहीं भाई सैलरी, तो तभी हम लोग को पता चलता है भाई कैसे हमारा घर चल रहा है।
आज के इतना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लिया अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक अभी दबा देने के, वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचे और एक लाइक कर देना, एक लाइक।